अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन। नंबर ऑफ लेसन इज़ 10। नेम ऑफ लेसन इज़ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन्स सिमतें, साइड्स, यानी कोई चीज़ किस साइड पर है, किस तरफ है या कहाँ है। वी विल लर्न एंड रीड इन दिस लेसन। फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू there are some words, there are some common words that we use in our daily routine, like top, bottom, below, in front of, above, behind, right, left, but there are some special words. There are four special words to mention the directions: east, west, north, south. These are four directions. बेटा आप सूरज के बिल्कुल सामने फेस करके खड़े हो जाएं, ओके? Stand before the rising sun. तो बेटा जिस साइड पर आपका फेस होगा वो साइड होगी ईस्ट। वो साइड क्या है? ईस्ट। और बिल्कुल आपके बैक पे वेस्ट, उसके ऑपोजिट। ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट। और आपके बेटा राइट साइड पर है साउथ। राइट साइड पर साउथ। और साउथ के बिल्कुल ऑपोजिट नॉर्थ, आपके लेफ्ट साइड पर। ओके बेटा, सो वी विल लर्न एंड रीड मोर थिंग्स इन आवर रीडिंग। सो लेट्स मूव योर रीडिंग। ओपन योर पेज 54 एंड स्टार्ट योर रीडिंग। हेयर आर सम क्वेश्चंस यू हियर ऑल द टाइम। यहाँ कुछ सवाल हैं जो आप हर वक्त सुनते हैं। वेयर डिड यू पुट द बुक। तुमने किताब कहाँ रखी? वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं? How do I get to the station from here? मैं यहाँ से स्टेशन कैसे जाऊँगा? Is the shop in front of your house or behind it? क्या दुकान आपके घर के सामने है या पीछे है? To answer these questions, you need to know certain words. इन सवालों का जवाब देने के लिए बेटा कुछ words आपको पता होने चाहिए। We have to use the correct words to give directions. हमें इन चीज़ों का पता बताने के लिए या बताने के लिए कि ये चीज़ें कहाँ हैं या इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास कोई करेक्ट, कोई सही वर्ड्स होने चाहिए। ओके, योर रीडिंग इज एंड्स हियर। लर्न इट एट योर होम with your mother or with your sister. Okay, thank you. Take care. Allah Hafiz.